श्रीकाल जी, मेरा नाम डॉक्टर हरप्रीत कौर खालसा, मैं संगरूर जिले के रहनी हाँ। डॉक्टर कृपाल सिंह SMO उन्होंने मिसेज है। मेरे पिता सरदार बसंत सिंह खालसा जो लुधियाने तो सी, वो MLA भी रहे, MP भी रहे, तो मिनिस्टर भी रहे, एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब रहे। उन्होंने डैथ तो बाद मेरा ब्रदर सरदार बिक्रमजीत सिंह खालसा वो खन्ने तो गुरु साहब को हरा के जितया, मुलापुर दाखा तो जितया, तो अच्छा रायकोट के काम कर रहा, नाले वो मैंबर PPSC है। सो मेरा जो बचपन हैगा वो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैं मुढ़ली विद्या मैं हासिल की है। साढ़े सियासी परिवार होने करके मेरा जो घर का माहौल से बहुत खुला डुला सी। सो मैं स्कूलिंग PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो की है, तो स्कूल के मेरिया हर एक गतिविधियाँ मेरी पार्टीसपेन रही है, चाहे वह खेडा ही क्यों ना हो। खेडों के मैं 100 मीटर 200 मीटर 400 800 जिन्या भी गेम्स होंगे सी, रिले रेस होंगी सी, लॉन्ग जंप हों, हाई जंप हों, हैंडबॉल होंगी सी, हर एक मैं पार्टीसपेट किया। तो इस तो इलावा स्कूल NCC होंगी सी, मैं पार्टीसपेट किया, NSS होंगी सी, मैं पार्टीसपेट किया, गर्ल गाइडिंग भी मैं पार्टीसपेट किया, तो मैं प्रेजिडेंट अवार्ड भी मिले हुआ है। सो इस तो बाद मेरी एजुकेशन जी है BA मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स की, MA मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ में की, जी MPhil हैगी मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो की। यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते डॉक्टर दर्शन सिंह मेरे गाइड बने, क्योंकि उन्होंने मैं सुजैस किया कि PhD एक वधिया विषय के उत्ते तू करनी है। मेरे पिता सरदार बसंत सिंह खालसा जोड़े कि मैंने बहुत प्यार करते, उन्होंने मुंडिया वाग मैं पालिया, उन्होंने मैं यह टॉपिक कहते एक वधिया टॉपिक लैके देवे तो तू बहरले मुल्क जाके PhD करी। सो डॉक्टर दर्शन सिंह के जरिए, मेरे गाइड होने के जरिए, मेरे पिता की मेहनत दे कह लो, उन्होंने प्रेरणा के स्रोत करके मैं जो विशा सिख रैलिक्स एंड मोनूमेंट इन UK PhD करने का मौका मिलया। इंग्लैंड के मैं 3-4 साल रही, उत्थे दे चप्पे चप्पे दे विच मैं जाके इतिहास नूं फरोल लिया। ब्रिटिश म्यूजियम दे विच गई, जिथे अपने पाकिस्तान तो सारा समान 1947 जो वंड पई है, सारा समान अंग्रेज़ लुट के लैके आए सी, उन्होंने सारा समान ब्रिटिश म्यूजियम विच रखिया। ब्रिटिश म्यूजियम विच असीं सिर्फ यही जानते रहे, अज तक असीं यही जानते रहे कि एक सोनी की कुर्सी पई आ, एक हीरा पिया जिहड़ा राणी नूं दित्ता सीगा। सो जदों मैनूं उत्थे ब्रिटिश म्यूजियम जाण दा मौका मिलिया, इतिहास नूं फुल्लण दा मौका मिलिया, तो मैनूं बहुत सारिया उहदे विचों कहानियां लभियां, जिवें कि महाराणी जिंदा की कहानी, जिवें महाराजा दिलीप सिंह की कहानी, जिवें शहीद ऊधम सिंह की कहानी। सो इस तों इलावा ब्रिटिश म्यूजियम विच अणगिनत समान साडा, जिवें साढ़े सिक्के पे ने, जिवें साढ़े शस्त्र पे ने, साढ़े वस्त्र पे ने, महाराणी जिंदा का सोने का समान पिया वा, कलगियां पईआं ने, किन्नियां राजे महाराजे दीआं कलगियां पईआं ने, खड़ावां पईआं ने, इदों बेशुमार समान साडा ब्रिटिश म्यूजियम के पिया वा। सो इहदे नाल नाल मैनूं पता लग्गिआ कि इत्थे हर साल नीलामियां हुंदीआं ने, ऑक्शनज़ हुंदीआं ने, ऑक्शनज़ नूं अटेंड करन मैं पिछले साल भी मैं ऑक्शन अटेंड करन गई। इस ऑक्शन दे विच सिखां दे बहुत सारे समान की नीलामी हुंदी है, पिछले लंबे समय तो इन नीलामियों विचों लोग इकट्ठे हो के अपने पंजाबी भी भावें क्यों ना होण, उन्होंने बहुत सारा समान खरीदिया, जिवें कि सिख पेंटिंग हैगी आ, वो हज़ारा पाउंड की उत्थे बाहर विकी है। सो प्राइवेट कलैक्टर्स की गल करते हुए मैंने पता लग्या, ब्रिटिश म्यूजियम के रजिस्टरों तो मैंने पता लग्या, खोज तो मैंने पता लग्या कि इन्ने लोग ने जिहड़े इंग्लैंड के वह ये समान अपने घर रखी बैठे ने। सो मैंने एक मौका मिलया हर एक थान के उत्ते जाने का, इंग्लैंड के चप्पे चप्पे छाण दी, मैं कदम ग्लासगो जाती, कदम मानचेस्टर जाती, कदम लैस्टर जाती, कदम बर्मिंगम जाती, कदम साउथहॉल जाती। सो हर जगह जाती, तो लोगों का मैं इंटरव्यू करके पुछती भी साढ़े सिखा का समान तुम्हें कितने रख्या हुआ वा, तो जो मैं दर्शन करने का मौका मिलता बड़ा मेरा दिल दुखता, क्योंकि बाबा जी बिरध बीड़ा उन्होंने घर अपने इदा ही रखिया हुई ने। बहुत सारे मैं लोगों इंटरव्यू की, जो गलबात की तो पता लग्या कि उन्होंने शराब पीती हुई सी, भी वह निके निके उठ के अपने हाथों नाल मैनू दिखाते। सो ये सारा जो दुखांत हैगा वा, मैं उसनू इकट्ठा करके गुरुद्वारों के बोलती, हर एतवार मैं वक्रे वक्रे गुरुद्वारों में बोली, जिस तरह मैं बर्मिंगम के गुरुद्वारे बोली, समैदिक के गुरुद्वारे बोली, लैस्टर के गुरुद्वारे बोली, संगतां ने बहुत हंगारा दिता, तो मैंने शाबाश दी, तो मेरे सिर पर मेहर भरे हाथ रखिया, तो मेरे हौसले बुलंद हो गए। सो सारा मैटर मैं इकट्ठा करके उन्होंने मैं PhD डिग्री के रूप में अपनी डॉक्टर की डिग्री हासिल की। सो डॉक्टर की डिग्री हासिल करने तो बाद मैं जब वापस पंजाब आई, तो मेरे पिता सरदार बसंत सिंह खालसा की डैथ हो गई। उन्होंने डैथ तो बाद मेरा विआह सुनाम शहर जवंदे पिंड डॉक्टर कृपाल सिंह दे नाल होया। सो मैं इतने चुप नहीं बैठी, मैं अपने पिता की याद में सरदार बसंत सिंह खालसा पब्लिक स्कूल दिड़वा खोलिया, उत्थे मैं गरीब बच्चों दाखिल किया, लगभग 400-500 बच्चा मैं दाखिल करके इस प्रोजेक्ट मैं शुरू किया, तो अज भी वो प्रोजेक्ट जारी है। सो इस स्कूल के भट्ठे वाले लोग तो गरीब बच्चों के पेरेंट्स, जिवें दिहाड़ी वाले पेरेंट्स, तो सारे इकट्ठे किए, तो उन्होंने समझाया
पढ़ाई के बारे। सो कुड़ियाँ उस पिंड सत सत कुड़ियाँ भी ने, पांच कुड़ियाँ ने, सारियां नूं इकट्ठा किया तो मैं सोचा कि इन्हां नूं फ्री एजुकेशन दी जाए, क्योंकि वो पेरेंट्स नहीं चाहते कि साडे बच्चे पढ़न, क्योंकि वो उन्हां दा हत्थ बटाउंदे सी। सो ये मैं सेवा करती करती फिर बाहर निकली समाज के, जिहड़ी मेरी बुक हैगी तोशाखाना उन्हूं मैं पूरा रूप दे के उन्हूं किताब के रूप में तैयार किया। तो जो मैं इतिहास पढ़ती सी मैनूं बहुत सारी बीबिया का इतिहास फोलन का भी मौका मिलिया, महाराणी जिंदा का इतिहास फोलिया। तो इतिहास में फोलते फोलते मैं सिख बीबिया जैन धर्म दियाँ, बुद्ध धर्म दियाँ, सिख धर्म दियाँ, हिंदू धर्म दियाँ सारिया बीबिया के मैं इतिहास बारे पढ़ने का मौका मिलिया। तो मैं उन्होंने वख वख रूपों के किताब के रूप के लोगों के सामने किया, समर्पित किया। तो इतों पहला मैं लुधियाने की डायरेक्टरी कढ़नी शुरू की, वो लगभग मैं 500 लेडीज़ की इंटरव्यू की, उन्होंने 500 लेडीज़ की इंटरव्यू करके मैं घट्टो घट्ट 200-300 लेडीज़ को छांटिया जी सचमुच समाज के मूहरे आने वाली, जिन्हां की समाज में बहुत सारी देन सी, जिन्हां तो सानू अज भी प्रेरणा मिलती है। वो लेडीज़ दे पढ़ के असी उसकी हिस्टरी नू पढ़ के उसके मतलब उसके किए कारजा पढ़ के उदों सानू प्रेरणा मिलती है। मेरा इंटरव्यूज़ का मोटिव सीगा कि जिहड़ियां समाज में अनगौलियां औरतां ने वो किसी रूप के बाहर नहीं आ सकदियां, चाहे उन्होंने सहुरे उन्होंने अलाउ नहीं करते, उन्होंने हस्बैंड उन्होंने अलाउ नहीं करते, उन्होंने लिंक नहीं है कि वो समाज के मूहरे आ सकन। सो परमात्मा ने बख्शिश के नाल मैं उन्होंने सारी लेडीज़ की इंटरव्यू की, उन्होंने प्रमोट किया, उन्होंने स्टेज पर लिया, तो वो अज मैं जब मिलदियां ने तो बहुत खुश ने कि साड़ी पहचान तू दवाई है। सो इस तो बाद मैं संगरूर जिले में एंटर की, संगरूर जिले में भी मैं घट्टो घट्ट 200-250 लेडीज़ को अपने घर बुलाया, हर एक फील्ड की लेडीज़ को अपने घर बुलाया, चाहे वह सियासतदान हो, चाहे वह एजुकेशन संबंधित हो, स्पोर्ट्स के खेत्र में हो। सो उन्होंने लेडीज़ की भी मैं इंटरव्यू करके उन्होंने भी समाज के मूहरे लैके आता, तो एक फंक्शन करके निर्मल ऋषि मैडम लिया के उन्होंने सारे उन्होंने तो सन्मानित कराया। इन्होंने कामों करती करती मेरे हौसले बहुत बुलंद होए, तो हूँ अजक मैं पटियाले मतलब पटियाले एंटर कर गई हाँ। मेरा जो टीचा है कि पूरे पंजाब में जिन्हिया भी औरतों ने वो कितने बुलंदियों पर पहुँच चुकिया ने, तो मैं उन्होंने कार्यों को समाज के मूहरे लैके आवं। एक मोटिवेशन का भी काम कर दी, जिहड़ियां औरतां कुछ करना चाहुंदियां ने पर उन्होंने ढंग तरीके नहीं पता, जो किसी की इंटरव्यू पढ़दियां ने जां मेरे कोई लेख पढ़दियां ने जां मेरी कोई टीवी टॉक देखदियां ने, रेडियो टॉक देखदियां ने, कुछ भी देखदियां ने, उन्होंने प्रेरणा मिलती है।